हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित अड्डा। तो दोस्तों, आज हम सब चलते हैं खुसरूबाग, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। हम सब आ चुके हैं मेवाल चौराहे पे और इधर लगा है ये संस्कृति IAS कोचिंग और ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति इधर यहाँ पर लगी, आप देख सकते हैं। फिलहाल इधर दिख तो नहीं रहा है क्लियर। और इधर में है अमिताभ बच्चन जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम अमिताभ बच्चन स्टेडियम है। यहाँ पे स्पोर्ट सब कुछ है, मतलब कि बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, कुछ भी। मेरे नाम के हैं अंकित भाई, हम दोनों का नाम एक ही नाम है, ये मैं और मेरा दोस्त अंकित। अंकित नाम के 10 लोग हैं हम लोग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम, लगातार बढ़े रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो में, अभी हम लोग सेल्फी पॉइंट आई लव प्रयागराज पहुंच चुके हैं और नीचे चाट वाट की दुकान लगी है और ये अभय शुक्ला और अंकित मौर्य दोनों यहाँ पे खड़े हैं अभी। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया जी, आपका नाम क्या है? प्रणाम भैया। नाम क्या आपका? मेरा नाम अंकित है यार, जानते नहीं हो? जानता हूँ, मेरे फ्रेंड। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे आने के बाद कैसा लगता है आई लव प्रयागराज देखने के बाद? काफ़ी अच्छा है, ऐसा कि आप देख सकते हैं गाइस, माहौल काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा इस समय धूप है और बारिश का मौसम है, इससे थोड़ा सा उमस है इसलिए। अच्छा, जरा ये बताइए, प्रयागराज आप आते हैं जैसे आए हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ की चाय के बारे में कुछ कह दीजिए। यहाँ की चाय के बारे में हम क्या ही बात करें, चाय की दुकान चाहे 15 किलोमीटर दूर हो, भले चाय 5 रुपये की मिलती है, लेकिन हम लोग 22 से 50 रुपये पेट्रोल पोके वहाँ पर चाय पीते हैं। यहाँ की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, मैंने सुना है। आप चाय से याद है कि हम लोग कहीं नहीं, चाय पीना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल पीना तो पड़ेगा, यहाँ की दोस्ती नहीं खतरनाक होती है। 5 की चाय पीने के लिए 200 का पेट्रोल डाल के घूमने जाते हैं, सही बात ना? प्लेग्राउंड जो कि क्रिकेट के लिए बना हुआ है दोस्तों। और भाई साहब, आपका क्या नाम है? कौस्तुभ देसाई। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। तो इस समय हम यहाँ पे पहुँचे हैं ओवरब्रिज के पास। भाई, आपका नाम क्या है? भैया, इनका नाम अर्पित कुमार। क्या नाम है आपका? स्कूल ज्वेलरी पढ़ता हूँ, 8C में। अच्छा, चलिए, आप खूब मेहनत लगा के पढ़िए। धन्यवाद नाम बताने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है अंकित अड्डा। ये दोस्तों क्रिकेट के लिए बना ये खूबसूरत मैदान, जो कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ पास में झलवा में ही है और ये उसी का प्लेग्राउंड है दोस्तों। आपके भी हम खुसरूबाग आ चुके हैं, ये रहा खुसरूबाग अपना गेट और अभी इसके अंदर हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं अंदर क्या क्या पूरा सिस्टम है, देखते रहिए वीडियो पे। बागवानी प्रखंड, प्रजाति का नाम आम्रपाली, पौधों की संख्या 190, रोपण की तिथि जो है 15 अगस्त जो है 2019 को किया गया है और रोपण की दूरी पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मीटर है और पंक्ति से पंक्ति की भी दूरी 5 मीटर है, जैसे कि मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर के शेप में। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अंकित यादव। मेरा भी नाम अंकित, फिलहाल इनका भी नाम अंकित, सभी अंकित हैं। तो यहाँ क्या करना है, घूमने आए हैं? अभी किसी की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC कहाँ से कर रहे हैं? बनारस में। मतलब यहाँ पे पेपर देने हैं। अच्छा, किस चीज़ पेपर था आपका? एयरफोर्स का हो गया पेपर? तो पेपर अच्छा गया ना, मन लगा के पढ़ना है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है के मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, ओ
के मानता नहीं। रिमोट तुम्हें दिया ना, रिमोट चला रहे हैं तो दे दिए लिए। हेलो भाई। हेलो हेलो, यूट्यूब चैनल है? हाँ भाई, अपना यूट्यूब चैनल है। कौन सा? अंकित अड्डा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शाम तक वीडियो आ जाएगा। आज ब्लॉग है? हाँ, ब्लॉगिंग के चैनल है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हेलो गाइस, तो हम कर क्या रहे हो तुम लोग? मतलब हमें अकेले छोड़ के अकेले के लंच कर लिए तुम लोग? वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा जगह देख के। हे शुक्ला, टिफिन खोलो, आप सब टिफिन खोलो और देखते हैं कि आज क्या आया है। देखिए यार क्या बढ़िया है, दीदी के हाथ की रोटी सब्जी बनी यार एकदम। इलाहाबाद में इतना क्या बताया यार, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि इलाहाबाद का बंदा जो होता है वो मैगी खा के भी काम चला लेता है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास सब्जी रोटी। तो भैया आपका नाम क्या है? अमित। अमित, अमित यादव। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से यहाँ पे इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं आप लोग? स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब? अच्छा, और आपका नाम भैया? प्रेमचंद। प्रेमचंद, बहुत अच्छा नाम। कहाँ से? अभी बिहार से हैं? आजमगढ़। सारी है, कोई बात नहीं, आजमगढ़ बिहार सब वही है। तो मतलब कहाँ पे रह रहे हैं इलाहाबाद इस टाइम आप लोग? सीपुटी गोविंदपुर। हेलो अंकल जी। जी जी, आप यहाँ पे मतलब दवा बेच रहे हैं क्या अंकल जी? नहीं सर, कान साफ करते। अच्छा, कान साफ करते हैं। अभी आप वहाँ पे मिले थे, गेट के पास मिले थे, अभी यहाँ मिले जी। तो मतलब क्या, कितना पैसे लेते हैं कान साफ करने का? ₹10। दोनों कान? किसी भी एक ही कान का? दोनों कान। पता चला एक ही कान का साफ करे दूसरे का, एक से सुनाई दे एक सुनाई ना दे? नहीं, दोनों कान। अच्छा, दोनों कान का ₹10। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। देखिए ये फ्यूचर के विराट कोहली, रोहित शर्मा बनने वाले हैं छोटे छोटे बच्चे। खुसरू बाग में ही आके मतलब कि मकबरे के सामने ही एकदम। अरे भैया, बेइज्जती करवा रहे हो क्या यार? बेइज्जती क्या करवा रहे हो यार? मतलब इतने बड़े हो गए, छोटा सा बल्ला लेके खेलोगे? कोई बात नहीं है, चलो मलिंगा। हेलो, हाथ ही नहीं मिला रही, डर रही है लग रहा है। ये भाई साहब जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, मिल गए हैं। इनसे हमें मिलके बहुत खुशी है और इनको भी मिलके बहुत खुशी हुई। फोटो शूट कर रहे हैं अंकित भैया इनका। अरे भाई भाई, नीचे उतरो यार, ऊपर क्यों चढ़ गए हो? ₹5 का चॉकलेट दिलाओगे नहीं जब तक मैं नहीं उतरूं। नीचे तो पहले चॉकलेट दो, पहले आ जाओ नीचे, तो हम दिला देंगे पक्का। ए मोरिया यार, इसको उतारो यार, ये मरने जा रहा है भाई, नीचे आओ। चॉकलेट दो, नीचे हम दे रहे हैं, लो पैसा लो। फिंगर लगाए यहाँ है माँ। ए लो यार ATM कार्ड लेके जाओ, निकाल लो। अबे आओ नीचे, आओ आ जाओ। तुम्हें चाहिए? कुछ जाओ कुछ जाओ, चाहिए क्या? चॉकलेट के लिए इतना? ये आ गया राजा बेटा, आ गया, आ जाओ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने घूम लिया है और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये गेट है, गेट से बाहर निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो देखते हैं कुछ खाना वाना खा वा लेते हैं। वैसे फिलहाल भूख ही लग गया है, खाए थे लेकिन यार इतना टाइम तक किसका चल पाता है यार, भूख लग जाती है वैसे। तो चलिए अब चलते हैं घर पर।